मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले क्लास में मैंने आपको गियर के बारे में बताया था। आपको मैंने कहा था कि गियर क्या होता है, एक हमारा एलिमेंट है, एक हमारा तत्व है जिसके द्वारा पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने गियर का इंट्रो बताया था, उसके बाद इसका उपयोग बताया था और मैंने बताया था आपको गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको मैंने एडेंडम सर्किल के बारे में बताया था कि एडेंडम सर्किल क्या होता है, कि दांतों के ऊपर से जो एक सर्किल गुजरती है, एक सर्किल बनती है, उसी को बोलते हैं एडेंडम सर्किल। एडेंडम सर्किल क्या होता है कि दांतों के निचली सिरे से गुजरने वाले एक सर्किल को बोलते हैं एडेंडम सर्किल। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि टोटल डेप्थ क्या होता है, तो एडेंडम प्लस डेडेंडम का जो योग होता है उसे क्या बोलते हैं, टोटल डेप्थ बोलते हैं, यानी कि जो टीथ की कुल गहराई। वर्किंग डेप्थ क्या होता है, तो एडेंडम प्लस क्लियरेंस सर्किल के योग को बोलते हैं वर्किंग डेप्थ। ठीक है, अब जानेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में जिसका नाम है टूथ थिकनेस। ठीक है, शायद ये भी चर्चा हो गई थी, चलो कोई नहीं, फिर से बता देती हूँ। टूथ थिकनेस क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, दांत है ना, तो दांत की जो बीच की जो मोटाई होती है उसे क्या बोलते हैं, टूथ थिकनेस बोलते हैं। हाँ, ये भी मैंने बता दिया था। टूथ स्पेस क्या होता है, तो दो दांतों की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलते हैं, टूथ स्पेस बोलते हैं, यानी दो दांतों की बीच की जगह बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका पिच पॉइंट, कि पिच पॉइंट क्या है। देखो, जब भी पिच पॉइंट के बारे में बोल रही हूँ, जब भी दो गियर आपस में रोटेट करते हैं, आपको मैंने कहा था कि एक हमारा क्लॉकवाइज होता है, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है, कहा था ना मैंने, तो क्या होता है कि पूरे सरफेस को, यानी ये टीथ है, ये टीथ है, इसके पूरे सरफेस में कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ठीक है, बस ये पॉइंट पे कांटेक्ट करते हैं, यानी कि कहने का मतलब इतना है कि जब दो गियर आपस में मिलकर चलते हैं, मिलकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होता है कि हमारे एक पॉइंट पे टच करते हैं, एक पॉइंट पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही यहाँ पर लिखा भी गया है कि पिच पॉइंट क्या होता है आपका, जब दो गियर संपर्क में होते हैं, तो मेसिंग का मतलब क्या है, मिले हुए गियर के दोनों पिच सर्किल के सामान्य बिंदु को ही पिच बिंदु बोलते हैं। आपको मैंने कहा था कि डेडेंडम होता है एक एडेंडम सर्किल होता है, एक डेडेंडम सर्किल होता है, और इसके बीच के सर्किल को बोलते हैं पिच सर्किल। तो पिच सर्किल जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस पॉइंट से पिच सर्किल बनकर तैयार होती है, उसे बोलते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका एडेंडम, कि एडेंडम क्या होता है, ध्यान देना, एडेंडम सर्किल में और एडेंडम में अंतर होता है। एडेंडम सर्किल क्या, हमारा टीथ का बाहरी सर्किल है। ठीक है, लेकिन एडेंडम क्या होता है, तो देखो यहाँ पर एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल, ये आपका पिच सर्किल है, ये आपका एडेंडम सर्किल है, इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी होती है, उसे एडेंडम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एडेंडम सर्किल और पिच सर्किल की जो बीच की दूरी को बोलते हैं एडेंडम। ठीक है फ्रेंड, तो वहीं यहाँ पर लिखा गया है कि एडेंडम क्या होता है, तो रेडियल दिशा में पिच सर्किल और दांतों के स्पर्श के बीच की दूरी को एडेंडम के रूप में जाना जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर सिंपली आप लिख सकते हैं कि एडेंडम सर्किल प्लस पिच सर्किल की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो बीच की जो दूरी होती है, उसे एडेंडम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डेडेंडम। जिस तरह से एडेंडम है, उसी तरह से डेडेंडम है। डेडेंडम क्या होता है आपका, कि पिच सर्किल प्लस डेडेंडम सर्किल, शॉर्ट वे में लिख रही हूँ, पिच सर्किल प्लस डेडेंडम सर्किल के योग को ही बोलते हैं डेडेंडम। ठीक है, यहाँ देखो दिखाया भी गया है, क्या है डेडेंडम, पिच सर्किल है, और ये आपका क्या है, डेडेंडम सर्किल है, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है ना, उसे ही बोलते हैं डेडेंडम।
ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका हो गया एडेंडम, ये आपका हो गया डेडेंडम। अगला क्या है, यहाँ लिखा भी गया है कि रेडियल दिशा में पिच सर्किल और दांतों के नीचे के बीच की दूरी को गियर के डेडेंडम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर क्लियरेंस, क्लियरेंस क्या होता है, तो कि लिखा गया है कि जब दो गियर मेसिंग स्थिति में हो, जब भी मेसिंग का नाम हो तो समझ लेना कि मिले हुए स्थिति में है। जब दो गियर मेसिंग स्थिति में होते हैं तो एक गियर के दांत के टॉप से दूसरे गियर के दांत के बॉटम के रेडियल दूरी को ही क्लियरेंस के रूप में जाना जाता है। मेसिंग की स्थिति में दांतों के टॉप से गुजरने वाला सर्किल को क्लियरेंस सर्किल के रूप में जाना जाता है। तो आपको मैंने कहा था कि इसे बोलते हैं क्लियरेंस सर्किल, कहा था ना मैंने, और क्लियरेंस सर्किल और डेडेंडम सर्किल की जो बीच की जो डिस्टेंस है ना, क्लियरेंस सर्किल और डेडेंडम सर्किल की जो बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं क्लियरेंस। तो क्लियरेंस सर्किल क्या, एक हमारा वृत्त है, और क्लियरेंस क्या, एक हमारा दूरी है जो कि डेडेंडम सर्किल और क्लियरेंस सर्किल की बीच की होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे बोलते हैं क्लियरेंस सर्किल। अगला है आपका फेस ऑफ टूथ, कि टूथ का फेस क्या होता है। तो लिखा गया है कि गियर के पिच सर्किल के ऊपरी दांते की सरफेस को फेस ऑफ टूथ के रूप में जाना जाता है। देखो ये आपका पिच सर्किल है ना, पिच सर्किल है, एक मिनट रुक जाओ, देखो इतने पार्ट को बोलते हैं फेस, बोलते हैं क्या, बोलते हैं फेस, और इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक। समझे बात को, यानी कि जो पिच सर्किल होता है उसका जो ऊपर का जो भाग है इसे फेस बोलेंगे और नीचे वाले भाग को बोलेंगे फ्लैंक। समझे, फेस ऑफ फ्लैंक, टूथ ऑफ फेस या फिर टूथ ऑफ फ्लैंक। टूथ यानी कि क्या है, टूथ का मतलब है दांत, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दांत। तो आप टूथ ऑफ फेस भी बोल सकते हैं, फिर फेस भी बोल सकते हैं, या फिर टूथ ऑफ फ्लैंक या फिर फ्लैंक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो वही लिखा गया है कि फेस ऑफ टूथ क्या होता है, गियर के पिच सर्किल की ऊपरी दांत की सरफेस को, मैंने कहा ना ऊपरी जो दांत के सरफेस को बोलते हैं फेस ऑफ टूथ बोलते हैं, और फ्लैंक क्या बोलते हैं, पिच सर्किल के नीचे दांतों की सरफेस को बोलते हैं फ्लैंक ऑफ टूथ बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, पिच सर्किल का ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे फेस बोलते हैं, और पिच सर्किल का नीचे का जो हिस्सा होता है उसे फ्लैंक बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका टॉप लैंड, क्या है टॉप लैंड, तो इसका मतलब क्या होता है, दांतों की सबसे ऊपरी सतह को टॉप लैंड के रूप में जाना जाता है। यानी जो दांत है, यहाँ देखो ये जो दांत है, ठीक है, इसका जो ये सरफेस है, लिखा भी गया है, देखो ये सरफेस, इसे क्या बोलते हैं, टॉप लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉप लैंड, देखो यहाँ लिखा गया है, एंड दांतों के ऊपर के सरफेस को टॉप लैंड के रूप में जाना जाता है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि टॉप लैंड क्या होता है, तो दांतों की सबसे ऊपरी सतह को टॉप लैंड के रूप में जाना जाता है। फेस विड्थ क्या होता है, देखो फेस का मतलब है चेहरा, किसका, दांत का चेहरा, और विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, सिंपल सा है। अगर आपको इसका हिंदी मीनिंग मालूम है तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है, बोलने में दिक्कत होगी, है कुछ नहीं, इसका हिंदी मीनिंग होगा चेहरे की मोटाई। तो क्या होता है, टूथ की चौड़ाई को ही फेस की चौड़ाई के रूप में जाना जाता है। यहाँ देखो क्या लिखा है कि जो टूथ है, ये टूथ है यानी कि दांत है ना, दांत टूथ है, ये टूथ की चौड़ाई यानी कि टूथ की जो चौड़ाई है उसी को फेस की चौड़ाई कहते हैं, यानी कि जो दांत की जो मोटाई होती है वही फेस की मोटाई होती है, सिंपल सा आपका है। तो दांत की मोटाई को ही इसकी फेस की चौड़ाई कहते हैं, यानी कि फेस विड्थ कहते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक का होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है फ्रेंड,
टूथ की चौड़ाई को फेस की चौड़ाई, यानी कि जो दांत की चौड़ाई को फेस की चौड़ाई के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है, पिस सर्किल। तो देखो पिस सर्किल, आपको मैंने कहा था कि जब दो गियर आपस में रोटेट करते हैं, आपस में मूव करते हैं, घूमते हैं, तो क्या करता है, जो टीथ होता है ना, टीथ होता है ये पूरे कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, पूरे स्पर्श में नहीं होता है, बस एक पॉइंट पर कॉन्टैक्ट करता है। क्या कह रही हूँ मैं, जब दो गियर आपस में मिलते हैं ना तो एक पॉइंट पर टच करते हैं, उसी पॉइंट को बोलते हैं पिच पॉइंट, ठीक है। और पिच पॉइंट के द्वारा जब सर्किल बनती है उसी को बोलते हैं पिच सर्किल, समझे बात को। और जो पिच सर्किल होती है ना, जो पिच सर्किल होती है हमारी काल्पनिक सर्किल होती है, मतलब कि है नहीं, बस हम उसे मानते हैं, समझे। जो पिच सर्किल है वो है नहीं, लेकिन उसे हम लोग मानते हैं, उसे हम लोग इमेजिन करते हैं, समझे। तो उसी को बोलते हैं पिच सर्किल। आपको मैंने दिखाया भी था क्या है कि जब पिच पॉइंट आपस में जो कॉन्टैक्ट करते हैं, टच करते हैं, उसी को बोलते हैं पिच सर्किल, ठीक है। ये क्या आपका पिच सर्किल है, मतलब कि जब दो गियर आपस में मिलते हैं तो पॉइंट पर टच करते हैं और इस पॉइंट के द्वारा एक जो सर्किल बनता है उसी को बोलते हैं पिच सर्किल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या थे, गियर के टर्मिनोलॉजी थे। कुछ और भी रह गए बाकी, अब देखिए कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स हैं वो आपको यहीं दिखा देती हूँ मैं। देखिए अब कौन सा बाकी रह गया, सर्कुलर पिच। ये क्या आपका सर्कुलर पिच, तो एक टीथ के एक पॉइंट, मान लो ये टीथ का मैंने ये पॉइंट लिया है तो दूसरे टीथ का भी मैं यही पॉइंट लूँगी, समझे बात को। क्या कह रही हूँ मैं कि अगर एक टीथ के मैं इस पॉइंट को लूँगी तो दूसरे टीथ को भी मैं इसी पॉइंट पे लूँगी, और उन दोनों के बीच का जो सर्कुलर बनेगा, जो आर्क बनेगा ना, उसी को बोलते हैं सर्कुलर पिच बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि मैं इस टीथ का ये पॉइंट लेती तो मैं दूसरे टीथ का भी यही पॉइंट लेती, और इन दोनों का जो बीच का जो आर्क बनता, जो चाप बनता, उसे बोलते सर्कुलर पिच, ठीक है फ्रेंड। इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं। आप इसकी फ़ोटो को एक स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने पास रखना, ये आपको हमेशा याद दिलाएगा, समझे। ये क्या हमारा, देखो ये हमारा विड्थ ऑफ स्पेस बोलो या फिर टूथ स्पेस बोलो, बात बराबर है, ठीक है। ये क्या होता है, फिलेट रेडियस होता है, जो रेडियस का मतलब क्या, एक त्रिज्या। तो ये जब देख रहे हो, ये छोटा सा आर्क देख रहे हो ना, इसे क्या बोलते हैं, फिलेट रेडियस बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब देखो और एक पार्ट रह गया है, इसे बोलेंगे टॉप लैंड, यानी दांतों का जो ऊपरी सिरा होता है उसे बोलते हैं टॉप लैंड बोलते हैं। लेकिन दांतों का जो निचली सिरा होता है, क्या है, दांतों का निचली सिरा, उसे बोलते हैं बॉटम लैंड। देखिए नाम से ही मालूम चल रहा है, टॉप का मतलब होता है ऊपर और बॉटम का मतलब होता है नीचे, तो दांत का ऊपर टॉप लैंड और दांत का नीचे बॉटम लैंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, दिक्कत होती है समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और एक वीडियो है जो कि मैं आपको अगले क्लास में दिखा दूँगी, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का क्लास, कहीं भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गियर, कि गियर के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।